विवर्स जब भी कोई नया सबस्टेंस बनता है केमिस्ट्री में हम इसको केमिकल चेंज बोलते हैं केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे चलिए हमारे पास जो ये स्क्रीन है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे मैंने एक पेपर ले लिया है इस पेपर को मैं हीट कर रहा हूँ जब मैंने इसको हीट किया ये कन्वर्ट होता है ऐश में ये चेंज होता है ऐश में इसी तरह अगर मैं वेजिटेबल्स ले लूँ इन वेजिटेबल्स को मैं कुक करूं अपॉन कुकिंग दे चेंज इन टू डिश तो जब एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सबस्टेंसेस कन्वर्ट होते हैं इनटू टू ए न्यू सब्सटेंस और न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज आर कन्वर्टिड इंटू वन आर मोर न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन अब आप राइट साइड पर आइए वहाँ पर मैंने सी एच फोर मीथेन लिया है इस मीथेन को मैं बर्न कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीथेन हमारे घरों में होता है एलपीजी गैस जो होता है उसमें मीथेन गैस होती है ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है बर्निंग में जब मैं इसको बर्न कर रहा हूँ इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड इट आल्सो प्रोड्यूस हीट हीट और एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में इसी तरह अगर मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री इसको मैं हीट कर रहा हूँ हीट करने से ये ब्रेक डाउन होता है इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी मैंने एक सबस्टेंस या एक से ज़्यादा सबस्टेंस कन्वर्ट किए चेंज किए दूसरे सब्सटेंस में इंटू न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंस तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गई क्या ये दोनों सेम हैं या दोनों डिफरेंट है अगर आप गौर से देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में बट मैंने कोई केमिकल सिंबल या कोई केमिकल फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे मगर जब मैंने राइट हैंड साइड में सबस्टेंस को कन्वर्ट किया मैंने केमिकल फार्मूला और केमिकल सिंबल का इस्तेमाल किया तो जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है द शॉर्ट हैंड मेथर्ड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूली

This is M. Aslam, and you are watching the channel Sinuswala. Please subscribe my channel and press the bell icon and share the video. Now, categories of chemical reactions. Chemical reactions can be further divided into many categories. Number second, decomposition reactions. Number third, displacement reactions. Displacement reactions can further be divided into single displacement chemical reactions or substitution reactions. And second one is double displacement chemical reactions or precipitation chemical reactions. Number four is Combustion chemical reactions and number 5 is acid base chemical reactions or neutralization reactions. Now, let us discuss these different categories of chemical reactions one by one. First one is combination reactions. Combination reactions are reactions which occur when two substances. Combine to form a compound or a single product. Sometimes these are called synthesis or addition reactions. These are the type of reactions A plus B gives AB. Means if A is a substance, B is another substance. The two substances combine to form a single substance or a single product. For example, when hydrogen gas and oxygen gas combine, it form water H2O. Similarly, when carbon combines with the oxygen, it produces carbon dioxide. So, they are combination reactions or synthesis reactions. Second one is decomposition reactions. Decomposition reactions are the reactions which occur when a single compound breaks up or decomposes into the elements or in a few to simpler compounds. It is of the type AB gives A and B, means if AB is a substance, it breaks down into A plus B or two or more substances. For example, if we take the water H2O, if we break down the electrolysis, it breaks down into hydrogen gas and oxygen gas. Similarly, we have the mercury oxide. If we break down it, it breaks down into mercury and the oxygen. So, they are decomposition reactions. The decomposition reactions take place when energy is supplied in the form of heat, electricity, or light. There are three main types of decomposition reactions that is, thermal, electrolytic decomposition, and photolytic decomposition. First, let us discuss the electrolytic. Decomposition reaction. If we take water in a beaker and pass electricity through it, it breaks down into hydrogen and oxygen. So a single compound breaks down into two or more substances, so it is a decomposition reaction. Second one is thermal decomposition, meaning decomposition by heating. If we have a calcium carbonate and we heat it it breaks into calcium oxide and carbon dioxide so it is a decomposition reaction similarly we have the photochemical decomposition means when a substance is decomposed in presence of sunlight it is called photochemical decomposition for example if we have a silver bromide when a sunlight falls on it it breaks down into silver and bromine. Replacement or displacement reactions. The chemical reactions in which a more reactive element replaces or displaces a less reactive element from its compound in an aqueous solution is called replacement or displacement reaction it is of two types single displacement reactions and double displacement reactions now let us start with single displacement reactions in a single displacement reaction which is also known as a replacement reaction one element replaces a similar element in the compound. many single displacement reactions takes place in an aqueous solution. let's start. what are its different types? A replacement or single replacement reactions are of four types. metal may be replaced by another metal. hydrogen may be replaced in water by a metal. Hydrogen may be replaced in, in an acid by a metal, or halogen may be replaced by more active halogens. First, let us learn the replacement of metal by a metal. If we take a copper sulfate in a test tube, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक आयरन नेल डाल तो जब ये रिएक्शन करेगा रिएक्शन के बाद आप देखेंगे जो ये कॉपर सल्फेट हो ये ब्लू कलर का होता है मगर जब हम इसमें नेल रखते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है एक्चुअली क्या होता है जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव मेटल होता है और इसकी जगह जब, जब आयरन आता है आयरन इस कॉपर को इस सॉल्यूशन से निकलता है रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है तो उसकी जगह आयरन आता है और जो आयरन होता है इस आयरन नेल पे कॉपर की कोटिंग चढ़ जाती है जो ब्राउन कलर की होती है तो हम इसको इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयरन एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर आफ्टर रिएक्शन इट गिवज़ कॉपर एंड एफ ई एस ओ फोर मीनज कापर को रिप्लेस किया आयरन ही क्योंकि आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू द कापर नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज जहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है फ्रॉम द वाटर अगर हम लिथियम लेंगे लिथियम एक मेटल होता है इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है इन दिस रिएक्शन अ मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ ऑल्सो ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड वन इज वैन हाइड्रोजन इज रिप्लेसड फ्रॉम एन एसिड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम एक मेटल होता है इसको हम रिएक्शन कराएंगे एसी के साथ तो रिएक्शन के बाद वहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है अनदर एग्ज़ाम्पल जिंक और इसकी रिएक्शन करवाएँगे एसी के साथ यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है सो इट इज़ ऑल्सो ए सिंगल रिप्लेसमेंट और डिसप्लेसमेंट रिएक्शन नाउ फोर्थ वन इज व्हेन ए मोर एक्टिव हेलोजन विज ए लेस एक्टिव हेलोजन हेलोजन में आता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन एंड एसटीन हमारे पास है फ्लोरिन ये एक हेलोजन है और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ ब्रोमीन भी एक हेलोजन है मगर जो फ्लोरिन है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन रिएक्शन के बाद आप देखिए फ्लोरीन अब सोडियम के साथ है इसने बनाया सोडियम फ्लोराइड और ब्रोमीन रिप्लेस हो गया सो इट इज़ ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव हेलोजन रिप्लेस ए लेस एक्टिव हेलोजन बट इज अंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन नाव वट इज डबल डिसमेंट रिएक्शन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जब दो मेटल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और जो उनके अयानस होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज वो आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उससे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बनता है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। चलिए विद एग्जांपल हम समझते हैं हमारे पास दो सॉल्टस है एक सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे इसको पानी में डालेंगे इट ब्रेक्स इनटू ए जी प्लस एंड एन ओ थ्री माइनस के टन और एन ओनस में और हम दूसरा सॉल्ट ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये ब्रेक तो होता है इनटू के पॉजटू पोटेशियम आयोनस एंड क्लोराइड आयस सी एल माइनस में अब अगर हम इन दोनों सोलूशनस को मिक्स करेंगे एक ही टेस्ट टू में तो जब दो सोलूशनस कंबाइन करेंगे जो उनके आयोन्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो एक्सचेंज कर देते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं जो बीकर होता है टेस्ट ट्यूब होता है इसके बॉटम पे एक इनसॉल्युबल सॉल सबस्टेंस रहता है जिसको कहते हैं हम प्रिस्पिटेट फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और जो ऊपर रहता है लिक्विड उसको कहते हम सुपरनेट तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है आयोन ऑफ वन सॉल्ट एक्सचेंज विद द ऑफ द अनदर सॉल्ट तो इसको कहते हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बोलते हम इसको मेटाथिस रिएक्शन तो यहां पे देखिए आप हमारे पास ए जी एनओ थ्री है ये डिकम्पोज होता है ए जी पॉजिटिव एंड एन ओ थ्री नेगेटिव सिल्वर क्लोराइड सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम बनता है पॉजिटिव और क्लोरीन बनता है नेगेटिव। फिर ये एक्सचेंज करते हैं सोडियम का पॉजिटिव नाइट्रेट के नेगेटिव के साथ मिलता है और बनाता है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव मिलते हैं बनाते सिल्वर है, क्लोराइड इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रिस्पटेट पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट इट गिवस लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट तो डबल डिस्प्लेस में रिएक्शन में प्रिस्पेट भी बन सकता है गैस भी बन सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे आयरन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज होगा आयस का एंड इट प्रोड्यूस एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड आयरन क्लोराइड डबल रिएक्शन में रिएक्शन रिजल्ट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एच सी एल इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है वहां पे भी एक्सचेंज ऑफ अय हो जाता है नाउ वन मोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन कंबस्शन रिएक्शन ए सबस्टेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो भी हमारे पास हाइड्रोकारबन्ते हैं अगर हम इनको बर्न करेंगे वो ऑन बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाईक्साइड एंड वाटर वेपर्स एंड ऑल्सो गिव एस हीट इसी तरह हमारे पास प्रोटीन है सी थ्री एच ऐट अगर हम इसको बर्न करेंगे इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाईक्साइड And water vapors and also gives the heat. So, they are combustion reactions. Now, one more type is neutralization reaction. The reaction between an acid and a base produce an ionic compound, a salt, and a water. This is called neutralization reaction or acid base reaction. This my egg substance acid. दूसरी बेस होती है जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास HCl सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड होता है हमारे पास एक बेस होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब इनकी रिएक्शन हो जाती है तो ये एक्सचेंज करते हैं अपने आयोन्स ये बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है वन मोर एग्ज़ाम्पल इज़ एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक एसिड होता है इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ पे क्या होता है एच पॉजिटिव बनता है नाइट्रेट नेगेटिव बनता है सोडियम पॉजिटिव बनता है और ओ एच हाइड्रोक्साइड नेगेटिव बनता है तो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने आयाम्स जो एच पॉजिटिव है ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है और वाटर बनता है एच टू ओ बनाता है और जो एन ए पॉजिटिव है ये एन ओ थ्री के साथ मिलता है और बनाता है एन ए एन ओ थ्री दैट इज़ अ सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट तो व्यूअर्स आई होप यू लाइक माई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर द वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाई